हाय एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही कमाल का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना है और आप भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग सीख जाएंगे। तो अभी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो जरूर से चेक कीजिए आप लोगों की बेल आइकन को ऑल पे सेट किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएँ और सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएँ और बहुत ही आसानी से अच्छे अच्छे एडिटिंग सीख पाएँ। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ कर लीजिएगा। एंड आगे बात कर लेते हैं एडिटिंग की। तो आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे फोटो रूम से अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि पहले फोटो रूम से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग दिखाए थे फोटो कैसा हमारा नॉर्मल, उसको हमने इस तरह से एडिट किया है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल पिक कुछ ऐसा है जिसको हमने एडिट किया है। तो सबसे पहले हमने तो पहले ही बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ये बैकग्राउंड का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इसको सेंड कर लेना है पिक्सआर्ट के अंदर। एंड उसके बाद आपको आ जाना है इफेक्ट्स में और ब्लर पे आ जाना है। एंड ब्लर पे आने के बाद आपको 20% ब्लर को रख लेना है और राइट कर लेना है। एंड आ जाना है आप लोगों के एड फोटो पे और अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, यानी कि जिसका बैकग्राउंड हमने इरेज किया था जिस फोटो का, ठीक है, उसको ऐड कर लेना है। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे इसको। एंड एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर लेना है और आ जाना है फिर से एड फोटो पे। एंड आपको ये पीएनजी को ऐड कर लेना है, कुछ इस तरीके से साइज को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप रोटेट, फ्लिप रोटेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एंड देन यहाँ पे रोटेट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे और इरेज पे क्लिक करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बाहर चला गया है उसको इरेज कर लेंगे। आप लोग अच्छे से इरेज कर लीजिएगा यहाँ पे। एंड इरेज करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर लेना है और यहाँ पे आपको आ जाना है टूल्स पे, स्ट्रेच पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको साइज को फुल कर लेना है और क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा हेयर को साइड साइड से यहाँ से स्ट्रेच कर लेना ऊपर के साइड, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से फेस को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे लेफ्ट और राइट, एंड यहाँ से राइट कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको रीटच वाले टूल्स पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है आई कलर पे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ सेचुरेशन को इसको यहाँ पे बढ़ा लेना है और यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसका हार्डनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बाहर साइड चला गया उसको इरेज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको। सेकंड वाला में भी सेम टू सेम वैसे ही इरेज कर लेंगे। इरेज करना होता आपको यहाँ पे इस आईज को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका ओपेसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है और राइट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। एंड राइट करने के बाद यहाँ से भी राइट कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि आ जाना है एड फोटो पे और ये आपका रेड बैकग्राउंड, यानी कि ये रेड मिल जाएगा आपको, ये इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट करेंगे कपड़े पे और इसका ब्लेंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड इरेज पे क्लिक करेंगे और इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे एंड क्या करेंगे ब्रश को ले लेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ से अपने कपड़े पर खाली ब्रश कर लेंगे, ठीक हो, यानी कि इसको खाली कपड़े पे ही ब्रश कर लेना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से आप राइट कर लेना है एंड राइट करने के बाद आपको फिर से एड फोटो पे आ जाना है एंड आपको इस पीएनजी को भी ऐड कर लेना है। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे
एंड यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा लेयर का ऊपर का साइड, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एक डुप्लीकेट यानी कि डुप्लीकेट बना लेंगे और कुछ ही तरीके से यहाँ पे भी लगा लेंगे इसको एंड यहाँ से राइट कर लेंगे और फिर से आ जाएंगे ऐड फोटो पे एंड आपको इस पीएनजी को भी ऐड कर लेना है एंड इसका ब्लाइंड को स्क्रीन करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे एंड एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर लेना है एंड अब आपको आ जाना है इफेक्ट्स पे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आर्टिस्टिक, उस पर क्लिक कर लेना है और सबसे लास्ट में आ जाना है फेटल वन को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक बार और टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका फेड को जीरो कर लेंगे एंड इरेज पे क्लिक कर लेंगे एंड इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको कपड़े पे ब्रश कर लेंगे एंड पट्टी पे भी ब्रश कर लेते हैं यहाँ पे एंड अब यहाँ से ड्रॉ टूल्स में जाकर फोटो को सेव कर लेंगे पिक्सआर्ट के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे गैलरी के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से शेयर कर लेंगे फोटो को, यहाँ से शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर एंड यहाँ पे आप लोग बहुत ही केयरफुली देखिए देखिए वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी पे आ जाएंगे एंड आप यानी कि आप लोगों को इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोग को एक मेन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्मज लिखा है तो आप लोगों का बाई डिफॉल्ट किसी और पर रहता है, तो सबसे पहले इस पर एक बार टैप करेंगे। चलिए आप लोग बता देता हूँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बाई डिफॉल्ट किसी और पे रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा एंड यहाँ पे आप लोगों को स्मज ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी हाल में यहाँ से स्मज ही रहना चाहिए, तभी आपका फेस अच्छे से स्मूथ होगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ साइज को अपने फोटो के अकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ से स्किन को स्मूथ करेंगे। एंड यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ सब फेस को गोरा करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। लेयर पे क्लिक करके नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट कर लेंगे एंड यहाँ पर कलर पे आ जाएंगे और थोड़ा सा येलो टाइप का कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइट येलो। एंड आपको क्या करना है कि लाइब्रेरी पे आ जाना है एंड लाइब्रेरी पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए आप लोग मीडियम ब्रश को, कुछ इस तरीके से अपने स्किन पे इसको ब्रश करेंगे, इसको ओनली स्किन पे ही ब्रश करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है यानी कि लाइब्रेरी पे और इस वाला ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका सेटिंग को आप लोग केयरफुली देखिए। यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको जब भी आप सेलेक्ट कीजिए यानी कि इसको जब भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे स्मज पे क्लिक करके बाई डिफॉल्ट किसी और पे रहता है यानी कि इरेजर पे ही रहता है आपको, तो आपको यहाँ पे स्मज पे क्लिक कर लेना है। ध्यान से इसको कर लीजिएगा आप लोग एंड कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फेक जैसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसा हो रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा होगा यहाँ पे, आप लोग जब अपने हाथ से करेंगे तो आपको यहाँ पे अंतर बुझा यानी कि लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे और HSL एडजस्टमेंट पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर लेंगे इसको एंड इस लेयर को मर्ज करके एक यानी कि एक और लेयर बना लेंगे। लेयर बनाने के बाद आपको नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट कर लेना है इसको भी एंड यहाँ पे आपको कलर पर आ जाना है और पिंक कलर को सेलेक्ट कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से अपने होठ पे ड्रॉ कर लेंगे एंड ड्रॉ करने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे इसका ओपेसिटी को एंड इस लेयर को भी मर्ज कर लेंगे यहाँ से एंड यहाँ से आप फोटो को शेयर कर लेंगे टूल विज एप्लीकेशन के अंदर
तो ये रहा हमारा टूल विज एप्लीकेशन, इसके अंदर हम लोग फोटो को शेयर करना है। एंड अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इफेक्ट्स पर आ जाना है, सॉफ्ट स्मज पर क्लिक कर देना है। और ये जो 6 नंबर का इफेक्ट है इसको यूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इस इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड मास्क पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लीन पर क्लिक करेंगे और अप्लाई वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इनेबल कर लीजिएगा आप लोगों में इनेबल नहीं होता है तो। एंड कुछ इस तरीके से अपने हेयर पीस को ब्रश कर लेंगे और राइट कर लेंगे। फिर से आपको उसी पे क्लिक कर देना है और 2 नंबर का इफेक्ट को यूज कर लेना है इस पर, यानी कि इस बार। और मास्क पर क्लिक करके क्लीन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग ब्रश कर लेना है, मोछ दाढ़ी पर ब्रश कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ से राइट करेंगे और यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे और उसके बाद गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से फोटो को शेयर कर लेंगे। गैलरी में से आपको स्नैपशीट के अंदर फोटो को शेयर कर लेना है। आप लोगों को वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, आप लोगों को सब कुछ आसानी से ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स का, उस पर आ जाना है और अपने फिंगर को ऊपर स्क्रॉल करना है, स्ट्रक्चर और शार्पनिंग दोनों को बढ़ा लेना है, राइट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रॉस फिर पे व्यू एडिट्स पे आ जाएंगे, डिटेल्स पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इन्वर्ट कर लेंगे और इसको फेस पे से ओनली हटा देंगे और सभी जगहों पे रहेगा, यानी अपने स्किन से ही हटाना है इसको। तो चलिए यहाँ से हटा लेते हैं, यानी कि इरेज कर लेते हैं और यहाँ से राइट करके बैक आ जाएंगे और फिर से टूल्स पे क्लिक कर देना है। एंड टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है पोर्ट्रेट पे और अब स्मूथ वन को सिलेक्ट करेंगे और आई क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे यहाँ पे 40% एंड राइट कर लेंगे। टूल्स पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग के एक ऑप्शन मिला ट्यून इमेज, इस पर आ जाना है एंड अपने फिंगर को स्क्रॉल करना ऊपर और यहाँ से ब्राइटनेस को पहले 10% बढ़ा लेंगे और यहाँ पे एम्बियंस को बढ़ा लेंगे यहाँ पे 20% 15% चलिए बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हाईलाइट को यहाँ से माइनस कर लेंगे 20% एंड शेडो को भी बढ़ा लेंगे 20% के आसपास और फिर से टूल्स पे क्लिक कर देंगे एंड सेलेक्टिव टूल्स पे आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने हेयर को और जो ग्रीन यानी ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है यहाँ पे हेयर पे, उसके सेचुरेशन को माइनस कर लेना है सेलेक्ट करके, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इसका सेचुरेशन को ओनली माइनस करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको फिर से आ जाना है यहीं पे, यानी कि सेलेक्टिव पे और कुछ इस तरीके से अपने स्किन को सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रक्चर को माइनस करेंगे, ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे और यही प्रोसेस आपको पूरे स्किन पे फॉलो कर लेना है। एंड यहाँ से आप फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम के अंदर और यहाँ पर आप लोग बहुत ही केयरफुली देख लीजिए वीडियो को। सबसे पहले आ जाएंगे लाइट पे और एक्सपोजर को 0.10% इंक्रीज कर लेंगे एंड यहाँ पर हाईलाइट को माइनस करेंगे एंड उसके बाद आपको शेडो को इंक्रीज करना है, वाइट को इंक्रीज करना है, ब्लैक को भी इंक्रीज करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे कलर पे और वाइब्रेंस को यहाँ पे इंक्रीज कर लेना आप लोगों को 30% के अराउंड एंड मिक्स पे आ जाएंगे और रेड का सेचुरेशन और ल्यूमिनेंस दोनों को इंक्रीज कर लेंगे और ऑरेंज कलर पे आ जाएंगे, इसका सेचुरेशन को माइनस करेंगे, ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग भी कर सकते हैं ज़्यादा या कम एंड हुई को माइनस करेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे येलो पे और इसका ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करेंगे, ग्रीन का सेचुरेशन ल्यूमिनेंस दोनों को इंक्रीज कर लेंगे, येलो का भी सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं एंड यहाँ पे ब्लू का सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे एंड एक और ब्लू कलर है इसका सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे और ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट्स पे, टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 10% के आसपास और क्लियरिटी को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करेंगे 20% कर लेते हैं यहाँ पे एंड डीएच को 4% कर लेंगे और रिग्नेट को माइनस कर लेंगे एंड उसके बाद आपको आ जाना है डिटेल्स पे और शार्पनिंग को 75% इंक्रीज कर लेना है और यहाँ सब
शेयर कर लेना है फ़ोटो को और सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है। सो फाइनली हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।